हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। पंजाब बोर्ड ने अगस्त 2022 के लिए रिलीज किया है ये, और ये आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। आपको जो है वो 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट ही दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पार्ट ए है वो आपका एनएएस बेस्ड 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल ये 16 मार्क्स का है। ठीक है, वहीं पर पार्ट बी जो है उसमें आपको जो है वो आगे चलकर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, और ये टोटल जो है वो 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो हम सीधा जो है वो सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है, सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि वी ऑल लिव ऑन अर्थ, हम सभी धरती पर रहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड अदर क्रिएचर्स ऑन द अर्थ हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज देयर इज एन एयर कवर्स अराउंड द अर्थ। और यहाँ पर लाइफ इसीलिए पॉसिबल है हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो धरती है उसके आसपास जो है वो एयर का कवरेज है। ठीक है, जिसको कि हम लोग एटमोस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एयर है वो कितने दूरी तक जो है वो फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक्स फादर टोल्ड हिम दैट ही यूज टू वर्क एज अ फार्मर इन महाराष्ट्र। तो दीपक के फादर उसे बताते हैं कि वो महाराष्ट्र में पंजाब आने से पहले वो एक फार्मर की तरह काम किया करते थे, और महाराष्ट्र में वो क्या उगाया करते थे, कॉटन का क्रॉप। ठीक है, लेकिन जब वो पंजाब में आए तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो चावल और गेहूं की खेती जो है वो शुरू कर दी। कैन यू स्टेट द रीजन बिहाइंड द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन बोथ द रीजन्स। तो उन्होंने ये स्विच क्यों किया, ठीक है, कॉटन से वो मतलब वीट और राइस उगाने लगे, ऐसा क्यों? तो लैंड जो है वो डिफरेंट था। ठीक है, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो मतलब कि डिफरेंट था। इसके अलावा जो इरिगेशन, सिंचाई का जो सोर्सेज है, ठीक है, यानी जो स्रोत है और बारिश, ये भी जो है वो मतलब कि वेरी करते थे। ठीक है, डिफरेंट थे, तो इस वजह से हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रीजन थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि मैं लावा हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कम आउट ऑफ द अर्थ, मैंने धरती से बहुत बाहर निकलने की कोशिश की। आई ट्राइड टू कम आउट थ्रू द डिफरेंट क्रैक्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो छोटे छोटे क्रैक्स पड़े थे, ठीक है, तो अलग अलग क्रैक्स से मैंने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट कम आउट, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सका। आई सॉलिडिफाइड इन द क्रैक्स आफ्टर कूलिंग, मैं वहीं पर जम गया क्रैक में ठंडा होने के बाद। What was formed after I cooled down? तो क्या बना मेरे ठंडा होने से, तो ये बना प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ये आपको एक पिक्चर दिया गया है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये मेडिवल पीरियड में बनाया गया था। बच्चों ये कौन सा जो है ये मतलब कि कह सकते हो किस चीज की पिक्चर है, ये है खजुराहो का महादेव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ही वॉज अ फॉरन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बीन, तो यानी जब मोहम्मद बीन तुगलक का जो है वो मतलब कि शासन चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर एक फॉरेन ट्रेवलर जो है वो आया था, तो उनका नाम बताना है आपने, उन्होंने एक अकाउंट लिखा था, ठीक है, उस अकाउंट का नाम भी बताना है। तो कौन आया था, इब्न बतूता, और उन्होंने कौन सा अकाउंट लिखा था, किताब उल रहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन शी टोल्ड द स्टूडेंट दैट शी वुड टेक देम टू द टेम्पल फ्रॉम हुएयर महमूद गजनवी लूटेड ऑल द गोल्ड सिल्वर एंड अदर ऑर्नामेंट। तो क्लास में जो टीचर ने एंटर करते ही बोला स्टूडेंट्स को कि वो जो है वो उनको उस मंदिर में लेकर जाएंगी जहाँ पे महमूद गजनवी ने जो है वो मतलब कि जो सोना चांदी और दूसरे जो है वो मतलब कि ऑर्नामेंट जो है वो लूटे थे। ये मंदिर गुजरात में है, तो क्या आप इस मंदिर का नाम बता सकते हैं कि टीचर कौन से मंदिर की बात कर रहे थे, तो वो बात कर रहे थे सोमनाथ टेम्पल की। ठीक है, रविंदर विल टर्न 18 दिस ईयर, रविंदर जो है वो इस साल 18 का हो जाएगा। हुम अमंग द फॉलोइंग विल ही अप्रोच फॉर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ एज अ वोटर, तो वो अपने आप को वोटर की तरह रजिस्टर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो 18 साल का हो जाएगा, तो वो किसको जो है वो अप्रोच करेगा, किससे बात करेगा इसके लिए, तो वो BLO जो है उनसे बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सम ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेड ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, बहुत डेमोक्रेटिक या बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है कह सकते हो, जहाँ पे जो कंट्री का हेड होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो इसी तरीके से जो कंट्री का हेड होता है वो लोग जो है वो इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल बट एक्वायर द हेडशिप थ्रू हेरिडिटी, लेकिन वो विरासत की तरह उनको जो है वो ये मिल जाती है। ठीक है, जैसे राजा महाराजा के बच्चे जो है वो ही राजा महाराजा बनते थे। ठीक है,
तो इस तरीके की डेमोक्रेटिक नेशन जो है इज नोन एज मोनार्की, इसको मोनार्की बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इट्स एग्जाम्पल, तो इसको जो है मोनार्की वाला कौन सा होता है जहाँ पे राजा महाराजा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी कंट्री इसका एग्जाम्पल है, तो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड की रानी होती है ना हेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, जो कि सबसे पहला है ज्योग्राफी पार्ट, 9 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपने वन वर्ड या वन आंसर करना है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है टोटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट से क्या समझते हो। तो बच्चों एनवायरनमेंट मींस सराउंडिंग ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लैंड एंड वेदर। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है अर्थ की सराउंडिंग, जिसमें अर्थ को घेरा हुआ है, इसके अंदर लैंड और वेदर दोनों ही पार्ट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर, नेम देम, अर्थ के कितने शेल्स हैं और उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो 3 शेल होते हैं, सबसे पहला है लिथोस्फेयर, ठीक है, फिर है मेंटल और सबसे लास्ट में आ जाता है कोर, ठीक है। जो लिथोस्फेयर है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा मिलता है, मेंटल जो होता है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है, और जो कोर है, ठीक है, उसमें जो है वो निकल और फेरस जो है वो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने 25 to 30 वर्ड में आंसर करना है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। हाउ डज मैन अफेक्ट इन्वायरमेंट, मैन जो है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। मैन हैज कट डाउन फॉरेस्ट एंड बिल्ट सिटीज फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने जंगलों को काट के जो है वो अपने लिए शहर बनाए हैं। ही हैज ऑल्सो बिल्ट डैम्स ऑन रिवर्स टू सप्लाई वाटर टू डेजर्ट थ्रू कैनाल्स, तो पानी जो है वो डैम के रास्ते से होते हुए, नदी का पानी जो है वो डेजर्ट तक इन्होंने पहुंचाया है, ठीक है, कैनाल के रास्ते। ही हैज कंट्रोल द नेचुरल फोर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट थ्रू साइंस, इन्होंने जो नेचुरल फोर्स है, ठीक है, उसको साइंस के जरिए जो है वो काफी हद तक रोका हुआ है, ठीक है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो डैम इतने बड़े बड़े बना दिए हैं कि पानी का लेवल वहां तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है, तो बाढ़ से जो है वो बच जाते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, तो जो संसार है, ठीक है, उसको जो है वो एक कह सकते हो ग्लोबल जो है वो ग्राम बना दिया है, जिसकी वजह से बाय डेवलपिंग द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये किस वजह से हो पाया है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी यातायात के साधन जो है वो विकसित हो गए हैं, ठीक है। अब अमेरिका जाना जो है वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, ठीक है, उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है तो उसमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई है, तो हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए जो है वो मतलब की कंट्रीज को जो है वो कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर गया, तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनकी वजह से वर्ल्ड जो है वो आज एक ग्लोबल विलेज बनकर रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अबाउट द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ, तो मेंटल पार्ट हमने पढ़ा, सबसे ऊपर जो है वो कौन सा था, लिथोस्फेयर, ठीक है, जो कि लैंड आता है उसको हम क्रस्ट बोल सकते हैं, फिर आता है मेंटल और लास्ट में आता है कोर, तो मेंटल जो है वो मिडल पार्ट हो गया, ठीक है। बिलो द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज मेंटल, तो अपर लेयर से जो नीचे है वो कौन सा मतलब कि आ जाता है, मेंटल आ जाता है। इट इज 2900 किलोमीटर डीप, ये 2900 किलोमीटर तक गहरा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा, इसको सीमा भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो किससे बने होते हैं, SI सिलिका के लिए यूज हुआ है, MA मैग्नीशियम के लिए यूज हुआ है, इसमें जो है वो ज्यादा कंटेंट जो होता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 80 to 100 वर्ड में आंसर करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कौन से मिनरल को जो है वो लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, उसके बारे में आपने बताना है। तो बच्चों पेट्रोलियम जो होता है उसको लिक्विड गोल्ड बोला जाता है, और इसको इसलिए बोला जाता है उसके इम्पोर्टेंस की वजह से बोला जाता है, ठीक है। इट शोज दैट द पेट्रोलियम इज एज इम्पोर्टेंट एज गोल्ड एंड ऑल्सो टेल्स अस दैट इट इज एज डिफिकल्ट एज फाइंडिंग गोल्ड, तो ये हमें बताता है कि पेट्रोलियम जो है वो उतना ही कीमती है जितना की सोना होता है, और इसको भी उतना ही मुश्किल भरा काम है जितना की सोना खोजना होता है। विदाउट प्रॉब्लम वर्ल्ड इकोनॉमी, विदाउट पेट्रोलियम वर्ल्ड इकोनॉमी वुड कोलैप्स, अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो क्या होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ना ट्रांसपोर्टेशन होगा ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए ये मेन सोर्स है, इसके बिना ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल सकती, ठीक है। इट इज मेड आउट ऑफ द वेजिटेशन एंड एनिमल ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, ये बनते किस तरीके से हैं, जो कि एनिमल्स वगैरह जो हैं, ठीक है, जो मतलब लेयर्स के बीच में सेडिमेंटरी रॉक के बीच में फंस गए थे, वो धीरे धीरे करके प्रेशर की वजह से जो है वो पेट्रोल में जो है वो तब्दील हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री पार्ट, 9 मार्क्स का है ये,
तो इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड या वन सेंटेंस पे आपने आंसर करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। बोला गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कौन सा टर्म, कौन सा शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता था इंडियन हिस्ट्री में, तो आंसर है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है 25 to 30 वर्ड में आंसर करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर देयर, कितने तरीके के इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज है, यानी स्रोत है जहां जहां से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स है, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, टेम्पल्स है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो बड़े बड़े पिलर पे जो है वो मतलब खुदवा कर लिखवा देते थे, क्वाइंस हो गए, बर्तन हो गए, ज्वेलरी हो गई उस टाइम की, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। फिर लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो लिटरेचर्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो ऑटोबायोग्राफीज आ जाती है जो उस टाइम पर लोगों ने लिखी होगी, बायोग्राफीज आ जाती है, क्रॉनिकल्स आ जाता है, अबाउट अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स जो कि फॉरेन ट्रेवलर्स लिखा करते थे, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारे लिटरेरी सोर्स का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी जो है वो इंडिया जो है वो क्यों आए थे। तो बच्चों महमूद गजनवी जो है वो गजनी जो है टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन, तो वो जो है वो अपने जहाँ पे वो कंट्रोल किया करते थे, साम्राज्य जहाँ पे इनका स्थापित था उसको पावरफुल बनाना चाहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या एक बड़ी आर्मी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे थे, और आर्मी को क्रिएट करने के लिए काफी सारा पैसा जो है वो लगने वाला था। इस वजह से वो इंडिया आए, ठीक है, टू रेज मनी 17 times फ्रॉम, तो वो 17 times जो है वो इंडिया में इन्वेड किया था उन्होंने, और कब 1001 से लेकर 1025 AD के बीच में। ठीक है, इन्वेड का बच्चों मतलब आपको समझ में आ गया ना, मतलब कि आक्रमण करना, अपनी आर्मीज वगैरह को जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है, अटैक करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, आपने उसमें से ही पढ़ के जो है वो इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बोला गया है विच किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम में किसका साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया था। तो जो गुर्जारा प्रतिहाराज हैं, पालाज हैं, राजपूत का किंगडम था, ठीक है, इसके अलावा जो गजनीविद्स हैं, गोरिड्स हैं, उनका जो है वो साम्राज्य स्थापित किया गया था। विच पावर इमर्ज इन द साउथ, साउथ में कौन सी पावर जो उभर के आ रही थी, पल्लवास और पांड्यास, इसके अलावा चोलास। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है डेक्कन पे किसका शासन चल रहा था, राष्ट्रकूट्स का। नेक्स्ट आ जाता है सिविक्स पार्ट, ये 6 मार्क्स का है, सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 25 to 30 वर्ड में आंसर करना है। बोला गया है कि आप सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी से क्या समझते हैं, तो बच्चों सोशल इक्वालिटी क्या होता है, इसका मतलब हम सोसाइटी में जो है सभी लोग जो है वो इक्वल है, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो जन्म स्थान के आधार पर, कलर के आधार पर, ठीक है, कि स्किन का कलर जो है वो कैसा है उसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, या सेक्स यानी कि लड़का है कि लड़की है, इसके आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑल पीपल आर यूजफुल ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी, जितने भी लोग हैं वो सभी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नो पर्सन कैन बी गिवन स्पेशल स्टेटस, किसी भी पर्सन को स्पेशल स्टेटस जो है वो नहीं दिया जा सकता। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसका मतलब है इट मीन्स देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, की अमीर और गरीब के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, नो क्लास ऑफ द सोसाइटी शुड बी एक्सप्लॉइटेड, तो सोसाइटी का कोई भी क्लास यानी कि कोई भी ग्रुप, जैसे अमीरों का ग्रुप या गरीबों का ग्रुप, ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, इसका मतलब ये भी है कि जो प्रोडक्शन के उत्पादन के जो साधन है वो कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए। ठीक है, अब किन के हाथों में सिमटेगा, ये अमीर लोगों के हाथों में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अमीर जो होते हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग एम्प्लॉयमेंट, सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए रोजगार को कमाने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपने 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम में डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, या कह सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट है। ठीक है, क्यों होती है,
तो इसके काफी सारे रीजन है. सबसे पहला इक्वेलिटी. इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजंस आर इक्वल एंड नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड. सभी बराबर होते हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता. दूसरा फ्रीडम. पीपल हैव द फ्रीडम टू टेक अप एनी प्रोफेशन. लोगों को आजादी होती है, मतलब ठीक है कि वो कोई भी जॉब चुन सकते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, अपने जो व्यूज हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लोगों को बता सकते हैं. नेक्स्ट है एक्टिव रोल ऑफ सिटीजन. ठीक है, तो सिटीजन का एक्टिवली रोल होता है, मतलब वो गवर्नमेंट का पार्ट है एक तरीके से. सिटीजन प्ले एन एक्टिव रोल इन डेमोक्रेसी. दे इलेक्ट द गवर्नमेंट बाय वोटिंग, क्योंकि वहां पे वो लोग जो है वो गवर्नमेंट को चुन रहे हैं खुद ही. ठीक है, तो सिटीजन जो है वो एक्टिवली पार्ट किस तरीके से ले रहे हैं, वोट देकर. तो आपका सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है. इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.